प्यारा खेला की दुनिया मा डूब्यो रामी तुते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी तुते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी प्यारा ख्यालों की दुनिया मा डूब्यूं रामी। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं संध्या राणा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मेरे सेहत से हो। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं काफ़ी लेट से, यानी कि दोपहर के 1 बजने वाले हैं। तो 1 बजे मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ इतनी लेट से? क्योंकि आज घर के काम है ना, इतना बिजी थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने आज सारे जो पुराने धान होते हैं वो बाहर डाल रखे हैं धूप में, और जो नए वाले धान है ना उनको डालूँगी मैं अंदर पट्ठे में, कठियार में, जिसको हम बोलते हैं लकड़ी का बक्सा होता है, तो उसमें हम डालेंगे। तो काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है आजकल 1-2 दिन से। शाम को तो बारिश सारे हल्की फुल्की, लेकिन अभी अच्छी वाली धूप खिली हुई है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे शंटले आ रखे हैं ना, मैना जिनको हम बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं मैना जो पक्षी होते हैं, तो इनको हमारे पहाड़ में बोलते हैं शंटले। ये देखिए तो घर में देखे यहाँ पे रखा है मंडुआ, और मंडुए में देखे कैसे मैना जा रखी है शंटुली, और उसमें पता नहीं क्या खा रहे हैं ये। तो धान को निपटाने के बाद जब हम ये सारा धान सुखा के ना अंदर रख लेंगे, उसके बाद करेंगे हम मंडुआ की मंडाई, और उसके बाद हो जाएगा काम फिनिश। तो मंडुआ की मंडाई करने के लिए रह गया है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा काम घर में है। तो अभी शाम के टाइम पे आ गई हूँ मैं गौशाला, और निकाल दी है मैंने गाय बाहर। तो अभी मैंने गोबर निकाला है, और गोबर निकालने के बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो ये पीछे मेरी कंडी है ना, कंडी पे मैंने ला रखा है कूड़ा करकट। ये तो ये देखिए घर का सारा कूड़ा, मैंने आज घर में सफाई किया है क्योंकि पुराना धान निकाला ना मैंने बाहर, तो घर की सफाई की। और ये फेंकने जाना है मुझे चंदड़े में, यानी कि यहाँ पीछे है हमारा खेत, तो वहाँ पे मुझे इसको लेके जाना है। और मौसम देखिए कितना अंधेरा हो रखा है बारिश आने के लिए। तो आजकल ना सुबह के टाइम डेली इतनी तेज़ धूप आ रही है, और शाम को आ रही है डेली बारिश। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना सूखी घास, हरी घास सुखा रखी थी जिसको बोलते हैं हम, सूखने के बाद तो उसको लगा रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे व्यवस्था होती है हमारे यहाँ सर्दियों की, यानी कि न्याय लगा रखा है ना जो पेड़ों पे। तो सर्दियों में जब बारिश आती है तो घास कुछ नहीं रहता पेड़ पौधों पे, तब हम इस न्याय को यूज करते हैं। और अभी यहाँ पर हरी घास सुखाने के लिए लगा रखे ना, सुखा रखी है, तो उसको लगा रहे हैं हम ये वाले पेड़ पर। कपलान तो अभी मैं थोड़ा पेड़ पे जा रही हूँ, वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो यहाँ पे लगाना है हमने घास, चार पुली है, ज़्यादा नहीं है, खाली डाल पे जाने की आफत है। तो चलो मैं अभी पेड़ पे जा रही हूँ। तो न्याय लगाने के बाद मैं आ गई हूँ खोर डाल के, यानी कबाड़ फेंक के आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी गौशाला में यहाँ पे हैं धतूरा के पेड़। तो ये धतूरा के पेड़ ना, इनका ना गौशाला में भेद माना जाता है, और इसके जो फ्लावर हैं फूल इसके, तो ये शिव जी भगवान को काफ़ी प्रिय हैं। तो ये शिव जी भगवान को भी सावन के महीने चढ़ाए जाते हैं। और इस पे जो बीज होते हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आती है दवाई के काम, और जैसे कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जहाँ जहाँ हड्डियों के जोड़ पे दर्द होता है ना, तो इसका लेप बना के तो उस पर लगाया जाता है। तो ये बैल मेर को मारने आ रहा है। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे धतूरा के पेड़ हैं, बीज है ना, ये दाने दिखाई दे रहे हैं। मैं तो मन हो रहा हूँ
तो गौशाला में देखिए बंदर क्या बैठे हैं छत में, इतना तहलका मचा रखा है ना इन्होंने यहाँ पे, सारे पेड़ों पे देख सकते हैं ये देखिए। अब खेतों में कुछ खाने के लिए नहीं, धान पे, और तो यहाँ पे जो हमने न्यार लगा रखा है ना पेड़ों पे, तो अब ये न्यार की खींचतानी करेंगे और सारे निकाल देते हैं 2 दिन में नीचे। यहाँ पे झूले का अड़ाटो रखा है वहाँ बल, तो धूप भी चले गए और अंधेरा होने वाला है। अब हमको गाय बांधनी है अंदर, गाय बांधनी है अंदर और उसके बाद जाएंगे हम घर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो बारिश मौसम भी अंधेरा हो रखा है बारिश आने के लिए, तो बारिश आएगी कि नहीं आएगी ये तो पता नहीं, क्योंकि मौसम का तो कोई भरोसा है नहीं। तगड़े कितने डर आ रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना कटोरी पे रखी थी जूली के लिए रोटी और चावल छीन के, तो ये खा नहीं रही है। इले बंदरन खान तब, तो ये नहीं खा रहे, बंदर खा जाएगा तो बंदर देख रहे हैं क्या मिलेगा खाने के लिए। ले नहीं खाना, नहीं खाना रे फिक्र नहीं, नहीं खा रहे तो इसको खा लेगी गैया मैया। तो गौशाला से घर जाने से पहले मैं आप लोगों को जो मेरा फेवरेट गढ़वाली गाना है तो उसकी एक छोटी सी रील मैंने बनाई थी, तो आप लोगों को सुना रही हूँ। आशा है कि ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी, काफ़ी अच्छा गाना है लेकिन मुझे कहना नहीं आता है, फिर भी मैं 2 लाइन सुना रही हूँ, तो देखिए अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। प्यारा खेलों की दुनिया मां डूब्यूं रोमी, तुई ते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी, तुई ते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी, प्यारा ख्यालों की दुनिया माँ डूब्यू रोमी, ते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी, लटुली फूल गेनी, रुजीदा बिजीदा तनी मन एनी सोनी बादो, मिनी बोली लठ्यालो खोज दो, तानी मन आसुनी मुख छल्याणो रामी, आसू बेनी ते लटुली फूल गेनी, आसू बेनी ते लटुली फूल गेनी, त्यारा ख्यालों की दुनिया माँ डूब्यू रोमी, ते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी, लटुली फूल गेनी, कापई दो थर थर फिर उंदी आई, त्यारा बाठाया बीनाली जाई, टप टप पठयो कोयो निखाणो रामी, माया रे आई ते लटुली फूल गेनी, माया रे आई ते लटुली फूल गेनी, प्यारा ख्यालों की दुनिया माँ डूब्यू रामी, ते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी, लटुली फूल गेनी, ऐसे दो खिल खिल बसंती आई, ऐसे दो बसंती आई, मेरी सोनी डेली माँ फूल डोली जाई, मुली मुली है सीता फूल माँ खुजाणो रामी, कोजी काजी
लटुली फूल गेनी खोजे काजी ल्याई ते लटुली फूल गेनी त्यारा ख्यालों की दुनिया मा डूब्यो रामी पीते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी लटुली फूल गेनी त्यारा ख्यालों की दुनिया मा डूब्यो रामी पीते ख्याल आई ते लटुली फूल गेनी लटुली फूल गेनी। तो शाम के 5:55 हो गए हैं और अब हमको जाना होता है गौशाला से घर। तो मैंने यहाँ पे गेट बंद कर दिया है और दूध निकाल के अब जा रही हूँ घर। तो अभी तक बारिश नहीं आई लेकिन अब रात को आएगी पता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसे लगा आप लोगों को हमारा आज का वीडियो? आशा है कि ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।